सकता ही नहीं हार सकता मन कभी, जब ये बात समझ में आती है। हार ही नहीं सकता इंसान जब ये जीत दिल में बस जाती है। जब ऐसे ही घड़ी हम सुनने को कहीं ना कहीं हमें देखने को जब मिलता है, सुनने को मिलता है, तो मन में कहीं ना कहीं उत्तेजना जगता है। उत्तेजना समझते हो, एक प्रकार की जागृति जगता है और वो बोलता है कि तू कर सकता है। जब ये अंदर से आवाज़ आता है ना कि तू कर सकता है, तो उस समय बात ही, उस समय माहौल ही कुछ अलग क्रिएट हो जाता है। कैसे लोग कहते ना, हमारे समाज में ऐसा कोई सुनने को मिलता है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यदि मन में यदि हार मान लेते हो, मन से हार मान लेते हो, तो एकदम मान लो कि हार तुम्हारी पक्की है। और अगर ठान लेते हो मन में, तो जीत पक्की है। ये तो कहावत कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन ये कहावत ना 100% सही है। यदि आप पूरी तरह से मन से हार जाते हो, तो यकीन मानो कभी भी जीत आप नहीं सकते हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। और यदि मन में आप एकदम जिद पकड़ लिए हैं, यदि मन में आप पूरी तरह से ठान लिए हैं कि हमें इतना परसेंटेज, हमें ये तो काम करना ही है, तो यकीन मानो भाई एकदम 100% हो जाता है। जिद्दी बनना पड़ता है, ठानना पड़ता है, और उसके लिए थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ता है। और जब इंसान जब जिद हो जाता है ना, जिद्दी पकड़ लेता है, जिद आदमी बन जाता है, जिद्दी बन जाता है, तो यकीन मानो पता नहीं कहाँ से ऊर्जा भी आ जाता है। एक बार ट्राई करके देखो ना, ऐसा होता है, करोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल पक्का होगा। ऐसे बहुत किस्सा है, बहुत ऐसे उदाहरण है जो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। उसी इतिहास के पन्नों में से एक थोड़ा सा उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप बोलते हो ना कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर ये कहते हो कि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, परीक्षा काफ़ी करीब है, लेकिन नींद आता है। जब पढ़ाई करने बैठता हूँ तो ये दर्द वो दर्द, मोबाइल लेकर बैठता हूँ तो किताब छूने का मन नहीं करता है। ये सब प्रॉब्लम आता है बाबू, हम समझते हैं, प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ भी ऐसा घटता है। कभी घटता है, आजकल जैसा हम चाहते हैं वैसा समय चलता है। समय का मतलब हम जैसे चाहते हैं वैसे काम कर पाते हैं, समय हमारे अनुसार नहीं चलता है, लेकिन लड़ना पड़ता है समय। सबके अनुसार समय चलेगा तो बात ही क्या रह जाएगा, लेकिन उन विषम से विषम परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, तभी आपको एक अच्छा इंसान बना सकता है समय। सबको लड़ना पड़ता है, उसी प्रकार आपको भी लड़ना पड़ेगा। देखो एक बात बताते हैं, हाँ, इतिहास के पन्ना में 1526 के इतिहास के पन्ना यदि याद रखो 1526, तो एगो बात समझ में आएगा। इब्राहिम लोदी की कहानी हुआ करता था। 1526 में जब बाबर जब हमारे देश पर आक्रमण किया, मुगल वंश के संस्थापक, तो उस समय याद रखना बाबू, बाबर के पास 15,000+ सैनिक थी, 15,000, महज 15,000 सैनिक। लेकिन वहीं हमारे इब्राहिम लोदी की बात करोगे तो 1,00,000+ सैनिक थी। जब इब्राहिम लोदी की बता, 1,00,000 है जहाँ 15,000, दोनों मंत्र है ना, क्या लग रहा है? इब्राहिम लोदी के पास 1,000 है तो 1,000 वाला हार जीत जाएगा, 15,000 वाला हार जाएगा, युद्ध होगा तो। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। क्यों हुआ? इब्राहिम लोदी के अंदर एगो मन में डर पैदा हो गया कि हम बाबर से नहीं युद्ध जीत सकते हैं, क्योंकि उसके पास तोप है। तोप देखो, युद्ध जाने से पहले ही इब्राहिम लोदी के मन में एक डर पैदा हो गया कि हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं। हुआ कुछ ऐसा ही, जब मन में पहले ही उसके डर पैदा हो गया कि हम नहीं जीत सकते हैं, देखो 1,00,000 सैनिक कहाँ 15,000, बहुत अंतर होता है। यदि वो बुकवा यदि ट्राई किया होता या फिर थोड़ा सा अलग प्रयास किया होता तो शायद जीत जाता, क्योंकि इसके पास सैनिक बहुत ज़्यादा थे। लेकिन मन में ही हार मान लिया था, इसलिए उसे हार मानना पड़ा। और हमारे देश पर एगो वीरान देशों के लोग आकर हमारे देश पर राज किए, राजपट चलाए और हमें गुलाम बनाकर कुछ दिन तक रखे। ऐसे ऐसे अनेकों किस्सा मिलेगा बाबू आपको, तो उसी में से क्या करना होगा, आपको भी वो इतिहास बनाना होगा। आपको क्या करना होगा बाबू, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, लेकिन बस इतना करो कि ठान लो, एगो लक्ष्य पैदा कर लो कि हमें इतना परसेंटेज लेकर आना है तो लेकर आना है। उसके लिए अपना पूरा जीवन लगा दो। हमें पता है मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं है, बिहार बोर्ड की बात, अक्टूबर चल रहा है, थोड़ा गिन लेना डेटवा, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में तो जाइए विदा ही बा। तो कुल मिलाकर हम मोटा मोटी यदि बात करें तो 90 से 120 दिन के बीच में है टाइम बचा है, मान कर चलते हम 90 दिन का हो, 90 दिन बिल्कुल 90 दिन बचा है, 90 दिन ज़्यादा नहीं है। अब 90 दिन के थोड़ा सा हम यदि स्ट्रेटजी बताएं, 90 दिन का स्ट्रेटजी हम बताएं आपको, तो सबसे पहले याद रखना 90 दिन में तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। 90 दिन में एगो टारगेट फिक्स कर लो। टारगेट देखो, सपना में टारगेट में बस यही अंतर होता है कि सपना देखने के लिए हमें बिना मेहनत के नींद चाहिए होता है, लेकिन यदि टारगेट चाहिए, टारगेट पाने के लिए बिना नींद के हमें मेहनत चाहिए होता है। तो टारगेट में सपना में थोड़ा अंतर होता है, तो हमें क्या चाहिए बाबू, टारगेट चाहिए। ओके, ध्यान से समझो टारगेट क्या होता है। ओ
सौ दिन का हम लक्ष्य लेके चलते हैं, कितना बाबू 100 दिन में। 100 दिन में देखो क्या करना है, हमें टारगेट हिट करना है। टारगेट हमारे मन में एगो टारगेट बस रहा है, उसी टारगेट को हमें किसी तरह अचीवमेंट करना है, किसी तरह पाना है तो पाना है। अब जैसे पाओ पा सकते हो, हमें उम्मीद है बिल्कुल आप कर सकते हो, बस आपके अंदर एक जोश पैदा करने की जरूरत है। लेकिन देखो आप वो सब कर सकते हैं जो बिहार के अन्य लड़के कर सकते हैं। आपके जैसे 16 लाख 17 लाख लड़का बिहार में बैठा हुआ है, उसी में से कोई बिहार टॉपर बनेगा, लेकिन तुम भी तो कर सकते हो। यकीन मानो, ट्रस्ट करो, थोड़ा अपने आप को प्रोत्साहित करो, उसके जैसे तुम भी कर सकते हो बाबू, आराम से कर सकते हो। बस जरूरत है तो अपने आपका टाइम टेबल सेट करने की जरूरत है। 100 दिन में क्या करोगे क्या नहीं करोगे, इसके लिए देखो इसके पहले 100 दिन के पहले क्या किए हो क्या नहीं किए हो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ 100 दिन के बाद मतलब 100 दिन में क्या करोगे क्या पढ़ोगे क्या नहीं पढ़ोगे ये बहुत माने रखता है। इसलिए मेरे बाबू ध्यान से इस 100 दिन का इस्तेमाल इतना बढ़िया से करो कि आने वाले समय में लोग कहें क्या पढ़ाई किया था यार, 100 दिन में इतना रिजल्ट ला दिया। उतना करना पड़ेगा, लेकिन करोगे कैसे, तो कुछ बुरी आदतों को बाबू छोड़ना होगा और कुछ अच्छी आदतों को पकड़ना होगा। बुरी आदत में कौन कौन आता है बाबू, तो बुरी आदत को अभी से छोड़ दो और अच्छी आदत को अभी से पकड़ लो। अच्छी आदत को पकड़ लो और बुरी आदत को छोड़ लो, देखो तुम्हारा रिजल्ट कैसा शोर में जाता है। बस एक बार मेरे बातों को ध्यान में रखो बाबू, बुरी आदत को छोड़ लो, बुरी आदत और अच्छी आदत को पकड़ो, देखो रिजल्ट कैसा शुरू मचाता है। माता पिता के सामने कैसे मीडिया वाला एकदम आगे पीछे दौड़ी लो, तिल लगाई लो, आओ का हमरों का इंटरव्यू तुम दे दो, तू ऊपर तहा रुतबा बढ़ जाए। लेकिन ऐसे पकड़ेगा तो 100 दिन के ऐसे यूटिलाइज करेगा, ऐसे पकड़ेगा 100 दिन को बहुत बढ़िया से समय गुजारेगा तब जाकर होगा। बुरी आदत कौन कौन है, पहला दूसरा तीसरा। पहला बुरी आदत यह है अधिक से अधिक समय तक मोबाइलों के साथ अटैचमेंट, मोबाइलों के साथ समय बिताना बहुत बुरा आदत है बाबू। मोबाइल के साथ यदि बहुत ज़्यादातर समय बिता रहे हो वो बहुत बुरा आदत है, वो छोड़ दो, जल्दी से छोड़ो। दूसरा बात होता है कि व्हाट्सअप मोबाइल में व्हाट्सअप होता है, इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, यूट्यूब रील्स होते हैं इत्यादि, इन सभी रील्स के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि उन सभी रील्स को देखते देखते क्या होता है, एक लिंक देखो पता चला दूसरा कोनो टुभका दलस तो उ लिंक पकड़ दलो, पता चला तीसरा कोनो फेसबुक पर अपलोड किया फोटो तो उस पर चले गया, ऐसे ऐसे आधा घंटा एक घंटा खींच लेता है वो, आधा घंटा एक घंटा नहीं बहुत घंटा खींच लेता है। इसलिए ये रील्स देखना बंद कर दो बाबू। हाँ हम माना नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ाई जब कर लेते हो ना तो उसके बाद से 10-20 मिनट रील से देख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं। तीसरा बुरी आदत ये होता है हमारे बाबू सब का कि अपने दोस्तों के साथ, अपनी लड़कियों के साथ, मतलब अपनी होकर वाली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिता देता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंड कर लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम खर्चा कर लेता है। उन सभी टाइमों को बचाओ, उन सभी टाइमों को खींचो, नहीं तो हई दूसरा से बतियाओ तर न, दूसरा से बतियाओ तर तो क्या होता ना, वो मार भी खिलवा सकता है तुम्हें और तुम्हें ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है। फैसल तो खुद ही कर सकता है कि इन सभी बुरी आदतों के चक्कर में अपना नौजवानी, अपना जवानी, अपना ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है कि इन अच्छी आदतों के तहत अपनी नौजवानी, अपनी जवानी, अपनी जीवन आबाद करना चाहता है। ये फैसला आपके हाथ में है और खुद ही सोचो कि आने वाले समय में आने वाले तकदीर बदलना चाहते हो कि आने वाले तकदीर को एकदम बर्बाद करना चाहते हो, यही डिसाइड करना होगा। आगे क्या करोगे क्या नहीं करोगे यहीं से डिसाइड होने वाला है, तो अभी से अच्छा काम करो, आने वाले समय एकदम सफल हो जाएगा। तो सबसे पहले अच्छी आदत कौन होता है, तीन को ये भी अच्छी आदत पकड़ लो। सबसे पहली बात है कि अपने पूरी तरह से सिलेबस को एकदम फोकसित हो जाओ, एकदम पूरी तरह से सिलेबस पर फोकस हो जाओ, इधर उधर की बात मत पढ़ो। तीसरा बात होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के कि जितने भी क्वेश्चन हैं पिछले साल के क्वेश्चन बैंक उठाओ, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, हमेशा उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तीसरा आदत ये अच्छा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके रिवीजन उतना ही ज़्यादा फास्ट करो, जितना ही ज़्यादा रिवीजन करो। ये जो अच्छी आदत है ना वो आपको नीचे से ऊपर तक पहुंचा सकता है, जीरो से हीरो बना सकता है, लेकिन यदि ये बुरी आदत पकड़ लेगा तो हीरो से जीरो भी बना सकता है। जो दूसरे की नज़र में हीरो बनते हो ना, आने वाले समय में जीरो हो जाएगा, थू करेगा कोई, तो खुद ही फैसला करो क्या करोगे क्या नहीं करोगे। अब यहाँ से तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। देखो किताबों से यदि लगाव कर लेते हो ना, किताबों से यदि मोहब्बत कर लेते हो, लगाव कर लेते हो, प्यार कर लेते हो, तो माना कि अंधेरा है लेकिन सुबह का इंतजार करो। इस समय हम मानते हैं कि अंधेरा बहुत ज़्यादा होगा, मेहनत करोगे तो पग पग पर, यदि मेहनत करोगे तो पग पर पर हर एक क्षण तुम्हारा दिक्कत होगा, परेशानी का सामना करेगा, उसी को हम अंधेरा बोलते हैं। माना कि अंधेरा है लेकिन आने वाले सुबह का इंतजार करो,
आने वाले सुबह का इंतजार करो। वो दिन कितना खूबसूरत होगा जब रिजल्ट आएगा और तुम्हारी कामयाबी शोर मचाएगी। तो उस समय थोड़ा सोच के देखो, वो जब सोचते हो ना पूरा लहरिया जाते हो, ऐसा लगता है कि वाह वो दिन आएगा तो कितना मतलब खुशहाली का माहौल झूमेगा, पूरा गांव नगर के समय तुम्हारे बारे में अच्छा बोलेंगे। हाँ न जहाँ रिजल्ट ख़राब हुआ तो गाँव वाले के ताना सुनने के लिए तैयार हो जाना। तो अगर चाहते हो कि गाँव वाले के ताना हम न सुने तो अभी से जी जान लगा दो बाबू। ज़्यादा दिन नहीं है, 100 दिन है, 100 दिन में टारगेट हिट कर सकते हो, मुझे पता है कर सकते हो।